नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डेली करियर इनकम में। और जैसा कि आपको पता है कि कनाडा T20 ग्लोबल लीग जो चल रही है उसका तीसरा T20 मैच खेला जाना है, जो कि होगा टोरंटो और एडमोशन रॉयल के बीच में। तो काफ़ी अगर बात की जाए पिछले मैच की, जहां पर टोरंटो ने बहुत ही एक बड़ा स्कोर चेस किया हुआ था, 227 का 227 का स्कोर उसने चेस किया हुआ था। तो बहुत ही स्ट्रांग, खासकर बैटिंग लाइनअप की बात करें तो बहुत ही स्ट्रांग नज़र आ रही। और ग्राउंड की अगर रिपोर्ट देखें तो यहाँ बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, तो आराम से 200 प्लस स्कोर आपको देखने को मिलेगा। वहीं एडमोशन रॉयल की बात करें तो इसके जो कैप्टन्स हैं शाहिद अफरीदी, साथ ही साथ कुछ बड़े प्लेयर भी हैं, तो बड़ा ही रोमांचक मैच होगा ये भी। हालांकि इसके अलावा सेकेंड मैच भी है जो शायद इतना इफेक्टिव ना हो और खास इतना इम्पॉर्टेंट ना रहे, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ बी के बीच में मैच है और वेस्ट इंडीज़ बी इतनी स्ट्रांग टीम नज़र नहीं आ रही है। तो पहला मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही साथ आज ये मैच जो होगा वो 8:30 बजे रात से होगा, तो आज पूरी मार्केट भी होगी इस मैच में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो इस मैच की ड्रीम इलेवन टीम, साथ ही साथ प्लेइंग इलेवन, बेस्ट प्लेयर, कैप्टन, वाइस कैप्टन के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ टॉस प्रेडिक्शन और मैच प्रेडिक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि टॉस प्रेडिक्शन और मैच प्रेडिक्शन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन हो जाइए, टॉस और मैच आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं ड्रीम इलेवन के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ों की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेइंग इलेवन और टीम न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं टीम न्यूज़ क्या क्या है। आपको पता है रुमान रईस और हुसैन तलत पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं टोरंटो की तरफ से, तो वो नहीं खेलेंगे। और उनकी जगह पर रिप्लेसमेंट के लिए आपको पता ही है कि एंटन डिवाइस को लाया गया था, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत ही धमाल मचाया था, और मैंने आपको सलाह भी स्पेशल दी थी कि उनको कैप्टन वाइस कैप्टन ही बनाना है आपको। इसके अलावा कामरान अकमल जो है उनको अभी तक उनका वीज़ा नहीं मिला हुआ है, तो इस मैच को भी वो मिस करने वाले हैं। वहीं अगर बात की जाए रॉयल्स की टीम की, तो रॉयल्स की टीम में देख सकते हैं जो क्रिशलिन, कृष्ण जोनकर, आसिफ अली, ये तीनों पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं और तीनों नहीं खेलेंगे। अब बात करते हैं रॉयल्स की टीम की प्लेइंग इलेवन क्या हो सकती है। तो इसमें देख सकते हैं आंद्रे फ्लेचर जो इनके विकेट कीपर हैं, और ल्यूक रोंची, ये दोनों आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। ल्यूक रोंची बहुत ही अच्छे बैट्समैन में, करंटली अगर उनके फॉर्म की बात की जाए तो बहुत ही बेटर फॉर्म में वो इस समय हैं, लगभग हर मैच में रन बना रहे हैं। वहीं शान इमान अनवर जो कि यूए की टीम से हैं, काफ़ी अच्छा खेलते हैं। इसके अलावा फराह बरादीन जो कि साउथ अफ्रीका के बहुत अच्छे फिनिशर हैं, और एक दो ओवर अगर उनको लास्ट में भी खेलने को 2 से 3 ओवर मिल जाते हैं तो पूरे मैच का रुख बदल सकते हैं अपने दम पर, इस तरह के बैट्समैन हैं। इसके अलावा शाहिद अफरीदी मेन स्पिनर है और वो अपने आप को कहीं पर भी प्रमोट कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको पता है कैप्टन भी है। इसके अलावा अगा सलमान जो कि ग्रैंड लीग के लिए अच्छे एक पिक होंगे। इसके अलावा वैन पर्नल जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराते हैं, साथ ही बैटिंग में भी काफ़ी अच्छा कुछ कर सकते हैं। सुहेल तनवीर जो कि अच्छी बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं, और उनको कभी भी बैटिंग के लिए प्रमोट किया जा सकता है, इवन उनको ओपनिंग भी भेजा जा सकता है। अहमद राजा, हसन खान, मोहम्मद इरफान, ये कुछ प्लेइंग इलेवन होगी। तो बात कर लेते हैं टोरंटो नेशनल की प्लेइंग इलेवन। तो टोरंटो नेशनल में कोई बहुत अच्छे चेंजेस नहीं होंगे, हाँ लेकिन कुछ प्लेयर रिस्की हैं, तो यहाँ देख लेते हैं। जैसन चार्लिस और रोहन मुस्तफ़ा, स्टीव स्मिथ, एंडन डिवाइज, किरण पोलार्ड, निजाकत खान, डैरन सैमी, निखिल दत्ता, मोहम्मद नावीद और उस्मान मीर में से कोई एक खेलेगा। उस्मान मीर हालांकि टीम आ चुके हैं, लेकिन अभी खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे इसके बारे में डाउट है। अगर मुझे लास्ट टाइम तक नहीं जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा मोहम्मद समी, कैसरिक विलियमसन, तो ये कुछ प्लेइंग इलेवन हो सकती है टोरंटो नेशनल की तरफ से। टोरंटो नेशनल में देख रहे हैं कुछ प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे स्टीव स्मिथ, एंडन डिवाइज, हाकि साथ निखिल दत्ता, रोहन मुस्तफा और जैसन चार्लिस, ये इंपॉर्टेंट बहुत एकदम, और साथ ही में कैसिक विलियम्स, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर की लिस्ट में बता रहा हूँ आपको। साथ ही अगर बात करें रॉयल्स की टीम की, तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ल्यूक रोंची, बारादीन, शाहिद अफरीदी, सोहेल तनवीर, अहमद राजा, साथ ही साथ मोहम्मद इरफान, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। बाकी इंपॉर्टेंट तो सभी हैं जो प्लेइंग इलेवन में आएंगे, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेस्ट प्लेयर भी हो सकते हैं। तो बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम के बारे में। तो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने 2 टीमें बनाई हुई है, मैं दोनों टीमें आपको दिखा देता हूँ। तो दोनों ही टीमें आप स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली टीम देख रहे हैं मैंने विकेट कीपर में ल्यूक रोंची को लिया हुआ है, साथ ही साथ स्टीव स्मिथ को मैंने वाइस कैप्टन बनाया हुआ, इसके लिए फराह बारादीन, आंद्रे फ्लेचर, इसके अलावा मैंने एक नीतीश कुमार मुझे क्रेडिट मेंटेन करने के लिए लेना पड़ा, हालांकि ये रिस्की हैं, तो अगर आप किसी तरह से इनको
रिमूव कर सकते हैं तो रिमूव कर लीजिए और KD मेंटेन करके किसी और प्लेयर को ले लीजिए। इसके अलावा शाहिद अफरीदी, एंडन डिवाइस, रोहन मुस्तफ़ा, इसके अलावा सोहल तनवीर, निखिल दत्ता, इसके अलावा मोहम्मद इरफान, ये कुछ काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं जैसे मोहम्मद इरफान और जो सोहेल तनवीर हैं, इनको कभी भी बैटिंग में प्रमोट किया जा सकता है, इवन इनको ओपनिंग भी भेजा जा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छे होंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी। वो अगर अदर चॉइस की बात करें तो अगर यहाँ से देख सकते हैं रॉयल्स का अगर टॉप ऑर्डर फेल होता है तो फिर फराह बैरादीन के लिए काफ़ी अच्छा मौका होगा और कैप्टन वाइस कैप्टन इसको बना सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें आंद्रे फ्लेक्चर भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और एंटन डिवाइस का तो पता ही है सबको कल क्या है, और इसके अलावा शाहिद अफरीदी और सोहेल तनवीर, ये कुछ अच्छा ऑप्शन है, इनको आप कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं। अभी मैंने दूसरी टीम देख लेता हूँ, दोनों ही टीमें स्मॉल लीग ग्राउंडिंग दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं लुइस ब्रोंची को वाइस कैप्टन बनाया, साथ ही साथ देख सकते हैं मैंने यहाँ से रोहन मुस्तफा को ड्रॉप किया है, साथ ही अगा सलमान को लिया और यहाँ से सानिमा नरवर को लिया हुआ है। तो अभी हमारा ठीक है क्योंकि जो नीतीश कुमार हैं उनका डाउटफुल भी है थोड़ा सा, रिस्की भी प्लेयर हैं, वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। तो दोनों टीमें हैं, आप दोनों में से किसी भी साथ ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग खेल सकते हैं। साथ ही साथ कैप्टन अगर आप दो से अधिक टीमें बना रहे हैं तो फिर डिफरेंट डिफरेंट कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करके आप बनाइएगा। एक में सोहेल तनवीर, शाहिद अफरीदी, इनको करूर कैप्टन बना लीजिएगा, ये काफ़ी अच्छी चॉइस है। बदला डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ आप बना लीजिएगा। साथ ही साथ रोहन मुस्तफ़ा भी काफ़ी अच्छी चॉइस है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं, हालांकि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एंटन डिवाइस, स्टीव स्मिथ और ये तीन प्लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ किसी न किसी एक को कैप्टन वाइस कैप्टन ज़रूर रखना। तो उम्मीद करता हूँ आप एक इस जानकारी से एक अच्छी टीम बना पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले अपडेट मिले आपको सबसे पहले, और एक अच्छी टीम बनाकर एक अच्छा खासा अमाउंट जीत सकें। जैसे कि आपको बता कि हमारा कनाडा ट्वेंटी लीग में अभी तक दोनों ही मैचों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और उम्मीद है दो से तीन ग्रैंड लीग हम आराम से जीत लेंगे। कनाडा ट्वेंटी में अभी तक हमारे पास दो मैचों में एक ग्रैंड लीग हम लोगों ने जीत लिए। उम्मीद करता हूँ आगे ऐसी तरह ग्रैंड लीग और जीतेंगे अभी कनाडा ट्वेंटी लीग में। तो बस बने रहें हमारे साथ और इसी तरह जीतते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, किसी प्लेयर पे डाउट है तो आप हमें सोशल मीडिया फेसबुक या ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं मुझे। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कभी भी किसी भी टाइम आप आके यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैच के आधा घंटे पहले आप एक बार कमेंट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लिया करिए। मैं कमेंट सेक्शन में सारी डिटेल आपको दे देता हूँ, कल भी मैंने दे दिया था कि संदीप लक्ष्मण, फिल एडवर्ड, नजमुल जारदान लोग नहीं खेलेंगे, तो अगर आपने वो चीज़ें देखी होगी तो आपने अच्छी टीम बनाई होगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और तब तक के लिए बाय बाय, और एक अच्छी टीम से आज अच्छा अमाउंट जीतेंगे।